हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक बच्चों को लेकर है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बच्चों के ऊपर कोई वीडियोस बनाइए। सो गाइस, आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे बिजी रखें घर में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लेडीज़ लोगों को बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह घर के। ऐसे में अगर बच्चे परेशान करते हैं तो हमारी नाक में दम हो जाता है, क्योंकि हमें टिफिन भी बनाना होता है और सब कुछ देखना होता है ना। सुबह सुबह अगर हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो उनको ऑफिस के लिए टिफिन बनाना है। आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि आप घर के काम भी कर ले आसानी से और आपका बच्चा भी बिजी रहे, आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे, और बिजी के साथ साथ वो बहुत कुछ सीखेगा भी। ऐसी हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारे बच्चे बिजी रहते हैं, उनका माइंड डेवलप होता है, बहुत कुछ सीखते हैं एक्टिविटीज से। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें बिजी रखना चाहिए। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। ओके, सो गाइस देखिए, पहला है हमारा तरीका बच्चों को हम कैसे बिजी रखें। तो मैं बताती हूँ, ये है कलरिंग बुक। ये कलर वर्ड की है और ये कलरिंग बुक है। ये मैंने बिग बाजार से ली थी। आप सब फ्रेंड को दिखा दो क्या-क्या मैंने कलर करा। सो गाइस देखिए, ये ऐसे यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है, ये मेरे बाबू ने की थी। तो इसी से वो सीखता है कि हमें पेंटिंग कैसे करनी चाहिए, जैसे कि थंब पेंटिंग है, लेडी फिंगर पेंटिंग है, लीफ पेंटिंग है। अभी ये इनसे ही सीखेंगे, क्योंकि अभी ये ब्रश भी नहीं अच्छे से पकड़ पाएंगे जो ये वाटर कलर से कर सके। तो अभी हम इनको ऐसे ही पेंटिंग सिखाते हैं और ये बिजी भी रहते हैं। सबसे अच्छी बात, बिजी रहते हैं ये, इसमें इनका दिमाग और कहीं नहीं भटकता, ये मोबाइल और टीवी नहीं मांगते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको इनको एक नई पेंटिंग बता रही हूँ। ओके, सो देखिए, मैं ये है पांडा एंड एलिफेंट जिराफ, मतलब इसमें सभी कुछ बना हुआ है। ये है एलिफेंट, कुछ इस तरह से आती है ये। यहाँ पर पूरा ऐसे बना हुआ है एलिफेंट, कलर भी है इसमें और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें कलर हमें खुद फिल करना है, कैसे हमें कौन से कलर भरना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने इनको ये एलिफेंट दिया करने के लिए। ओके, अब इनको इसमें कौन सी पेंटिंग करनी है वो मैं इनको बता देती हूँ, और फिर मैं इनको ये वर्क देकर चली जाऊंगी। मैं अपने काम करने लगूँ तब तक ये इसमें बिजी रहे, तब तक ये सब करेंगे तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए, आज मैं इनको बताती हूँ थंब पेंटिंग। थंब पेंटिंग से हम इसको एलिफेंट को करेंगे और ये बहुत ही प्यारा लगेगा, है ना, क्योंकि इनके थंब भी छोटा सा है ना। तो ये अपने थंब से इस पर पेंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैंने लिया है ये वाटर कलर। वाटर कलर हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये लिया है, ये वाले जो वाटर कलर आते हैं ना, ये वाले लिए हैं, पोस्टर वाले, पोस्टर कलर एंड पानी सिंपल, एंड एक ऐसे ही मैंने हैंकी ले लिया है, क्योंकि जब इनका हाथ गंदा हो जाता है तो ये इसे साफ कर लेंगे। ओके, सो गाइस देखिए इनको मैं कैसे बिजी रखती हूँ। सो गाइस, मैं पेंटिंग करने वाला हूँ। आप कौन सी पेंटिंग करने वाले हैं? थंब। वेरी गुड। सो देखिए, एलिफेंट किस कलर का है? ब्राउन। वेरी गुड। एंड अब हमको ब्राउन कलर लेना है, तो आप ब्राउन कलर लीजिए। ये है ब्राउन कलर। ओके, ब्राउन है बेटा, है ना। तो अभी ये थोड़ा सा सूख गया है तो मैं इसको थोड़ा सा गीला कर देती हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने ये कलर को इसमें थोड़ा सा इसमें निकाल दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें इनके उंगली नहीं जा पाती, तो मैंने इस ढक्कन में थोड़ा सा कलर को निकाल दिया है। तो अब इसको आपको क्या करना है, ये आपके पास ये हैंकी भी रखा है, इससे आपको अपना हाथ को साफ कर लेना। अगर हाथ आपको गंदा हो तो आपको क्या करना है, वेरी गुड, थोड़ा सा लेना है, इतना सा बस, ठीक है। अब आप करिए, वेरी गुड, ये देखिए, वाओ, पास पास करिए, पास पास। तो देखिए इनकी पेंटिंग है, बाबू पास पास करना, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऐसे ही छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे और अपने ब्लॉग से खेलेंगे, तो ये ऐसे बिजी रहेंगे और जगह इनका दिमाग नहीं लग पाएगा। और होता है ना, बच्चों को जितना ज़्यादा हम बिजी रखेंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। और आजकल के बच्चे तो आप जानते ही हैं, मोबाइल और टीवी ज़्यादा चाहते हैं, और लेकिन हमें अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं एलिफेंट कितना प्यारा लग रहा है ना, और इसके जो छोटे छोटे हाथ हैं ना, थंब से जो ये पेंटिंग कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बेटा पास पास करना, ठीक है, सुंदर सा लगे।
वेरी गुड। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो आप टीवी देखना पसंद करेंगे या फिर पेंटिंग करना? पेंटिंग। वेरी गुड। सो गाइस, ऐसे ही हम अपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी में बिजी रख के उनको खाना भी खिला सकते हैं, उनसे टीवी हम मोबाइल दूर रख के इसी तरह से उन्हें खाना भी खिला सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं और उनकी मदर्स की प्रॉब्लम होती है उनकी कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, क्या करूं क्या करूं मेरा बच्चा। सो गाइस, इनकी ये ड्राइंग हो गई कंप्लीट। बाबू, आपने ये कौन सी पेंटिंग की है? वेरी गुड। इसके बाद आप कौन सी पेंटिंग करेंगे? कौन सी पेंटिंग करेंगे आप इसके बाद? आप कौन सी करेंगे, कौन सी करना पसंद करेंगे आप? ब्रश वाली। ब्रश वाली? अभी आप ब्रश तो पकड़ नहीं पाएंगे अच्छे से। आप पकड़ा दें। ओके, इसके बाद इनको करनी है ब्रश वाली पेंटिंग, और वो भी मैं इनको बहुत इजी वे में बताऊंगी ऐसे ही। और आप इनका ये एलिफेंट देखिए, इन्होंने बीच में ऐसे ही कलर को ऐसे इन्होंने गिरा दिया था और हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया। इतने अच्छे से मैंने इनको बताया लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा सा कर दिया है खराब। कोई बात नहीं, ऐसे जब बिगाड़ेंगे तभी तो सीख पाएंगे ना, है ना बेटा? जब कुछ बिगड़ेगा तभी तो और अच्छा करेंगे ये। कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। अभी करना ठीक है। मैं आपको इनकी कुछ गेम्स दिखाऊंगी, इंडोर गेम्स है जिसको ये घर में खेलते हैं और सारा दिन ये बस उसी में बिजी रहते हैं, वही अपने गेम्स खेलते रहते हैं। कुछ ये देखिए, अब मैं ये वाला करूंगी, ये वाला करूंगी। ओके, ऐसे ही हम सुबह सुबह इनको ऐसे ही दे देते हैं, जब ये सो के उठते हैं ब्रश करा के नाश्ता करवा के इनको बैठा देते हैं, उसके बाद हम घर के काम करते हैं। ये इसी में बिजी रहते हैं, टीवी या मोबाइल की ज़्यादा जिद भी नहीं करते। हाँ, थोड़ा बस मैं मोबाइल देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं देती, थोड़ी देर के लिए बस मैं मोबाइल देती हूँ, वापस ले लेती हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।